नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महज 2000 रुपए बकाया पैसे मांगने पर दबंगों ने की मजदूर की पिटाई। इलाज के दौरान हुई मजदूर की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी गांडे पुलिस। भाकपा माले के अनुषांगिक इकाई इन्नौस ने गांव थाना प्रभारी ध्रुव कुमार और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा अनुचित गठजोड़ से हो रहे गौपालकों पर अत्याचार। भाजपा नगर कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। पार्टी के दिग्गज नेता की उपस्थिति में किया गया सम्मानित। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, बेटी की शादी के लिए घर के अंदर बक्से में रखे जेवरात समेत 1.5 लाख रुपए नगद जलकर हो गया राख। और बेंगाबाद के सखुआ जंगल में लगी आग, आग लगने से लोगों में दहशत। अब खबरें विस्तार से। महज 2000 रुपए बकाया मजदूरी की मांग करने पर दबंगों ने एक मजदूर की बुरी तरह पिटाई कर दी। इलाज के दौरान घायल मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से इंसाफ दिलाने की मांग की है। गांडे थाना क्षेत्र के कच्छेल निवासी शहाबुद्दीन अंसारी की मौत रांची रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। शहाबुद्दीन अंसारी की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि कच्छेल निवासी शहाबुद्दीन अंसारी अपने बकाया मजदूरी के पैसे मांगने के लिए गांडे थाना क्षेत्र के राता बहियार निवासी गोविंदा यादव के घर गया था। पैसा मांगने के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान गोविंदा यादव और उसके सहयोगियों ने शहाबुद्दीन अंसारी के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मामले की सूचना शहाबुद्दीन के घर वालों को दी। खबर मिलते ही परिजनों ने आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचकर और गंभीर रूप से घायल शहाबुद्दीन अंसारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। रांची रिम्स के दौरान बीते 6 मार्च की रात को शहाबुद्दीन की मौत हो गई। इस संबंध में परिजनों का कहना है कि शहाबुद्दीन अंसारी पिछले कई दिनों से गोविंदा यादव के यहाँ वॉल पुट्टी का काम कर रहा था और उसके यहाँ 2000 बाकी था। यही बाकी पैसे मांगने को लेकर बार बार उसके घर जा रहा था और वह देने से इनकार कर रहा था। इसी बीच में दोनों के साथ तू-तू मैं-मैं हो गई और गोविंदा यादव अपने सहयोगी के साथ मिलकर शहाबुद्दीन अंसारी को पीट पीट कर घायल कर दिया और उसे खेत में छोड़कर चला गया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ दिलाने की मांग की है। फिलहाल मृतक के शव को रविवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सूचना मिला है कि सलमान ऐसा ऐसा हो गया कच्छेल में, तो जब मैंने उससे परिजन से बात किया है, तो परिजन से बात करने के बाद मालूम चला कि ये उसका जो है साला है। तो साला इसका बताया कि सलमान बोल हुआ ऐसा कि बोल मेरा भाई गोविंदा यादव के पास काम कर रहा था। काम कर रहा था कहाँ पर? कच्छेल में, राता बहियार में काम कर रहा था। तो काम करने के बजाय उसके पास 5-10 दिन काम किया, उसके बाद ऐसा हुआ कि पैसा कुछ बकाया रह गया 2000 रुपया, और पैसा मांगने के लिए वो गया। पैसा मांगने के लिए गया तो बार बार उसके साथ धमकी चमकी कि पैसा आज नहीं देंगे, 5 दिन के बाद आओ, 10 दिन के बाद आओ, ऐसा बोलते 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 फिर बहुत दिन जब हो गया तो कल ये बुधवार को 3 तारीख को वो गोविंदा यादव ने फ़ोन किया, जिसका पिता का नाम है बालदे यादव। कहाँ का रहने वाले? ये रत्ता भैया का रहने वाले हैं, कच्छेल का। तो बोले कि आइए और आप आकर के पैसा ले लीजिए। तो जब इसने गया उसके गोविंदा यादव के पास, गोविंदा यादव के पास जाने के बाद वहाँ आपसी कुछ तू-तू मैं-मैं हुआ होगा। उसके बाद इसके बीवी फ़ोन करती है कि कहाँ है, तो बोलते हैं इसके बीवी को कि बोला अभी हम आए हुए हैं पैसा मांगने के लिए गोविंदा यादव के पास, तो 5-10 मिनट में बोले कि आकर के पैसा आपको दे रहे हैं। इसके बावजूद फिर आधा घंटा के बाद मुखिया का फ़ोन आता है, मुखिया के पास फ़ोन आता है। कौन मुख्य फोन कर रहा है? प्रकाश यादव। फोन किया है इसके साला के पास। फोन किए तो फिर इसके साला को बोले कि आप लोग कच्छेल से सिर्फ 2 ही आदमी आइए। तो बोला कि भैया बोल हम लोग 2 नहीं, हम लोग 3-4 आते हैं, क्या मैटर है बताइए।
बोला कि कुछ नहीं, आप लोग सिर्फ दो ही आइए और यहाँ पर कुछ देखा गया शहाबुद्दीन का मार करके यहाँ कोई फेंक दिया है, आप लोग आइए, दो ही आदमी मगर आइए। तो लास्ट में लोग दो ही आदमी गया, उसको उठा करके लाया, फिर आगे लगता यही है कि जिस तरह से उसको वो तो बेहोशी के हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसका सर में है दाग भी था, मारा जो गया है सर फटा हुआ था, कपड़ा उसका तो पूरा फटा हुआ मिला वहाँ पर। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उसके साथ जो घटना हुई है उसको परिजन का उसका कहना है कि उसको मार का फेंक दिया गया है, मार के भैया फेंक दिया गया है। तो हम लोग प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसमें जो हो कानूनी तरीके से काम हो, करवाई हो। भाजपा नगर कमेटी के बैनर तले रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नगर कमेटी से जुड़े नव नियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। भाजपा नगर कमेटी के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन स्थानीय विवाह भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा ने की। जानकी मंच संचालन मोतीलाल उपाध्याय ने किया। मौके पर मुख्य रूप से गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, वरिष्ठ नेता चुन्नू कांत, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, मुकेश जलान आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले भाजपा नगर अध्यक्ष श्री बग्गा व अन्य नव निर्वाचित पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री शहबादी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बदौलत ही आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कहा कि पार्टी और भी मजबूत बने इसके लिए कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। अगर पार्टी के प्रति प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो कार्यकर्ता पीछे ना हटे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वरिष्ठ नेता चुन्नू कांत ने अनुशासन व समर्पण से भाजपा आज पूरे विश्व में एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो गई है। भाजपा नगर अध्यक्ष श्री बग्गा ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी उन पर सौंपी है वे उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। मौके पर भाजपा जिला महामंत्री संदीप डकाइच, संजय सिंह, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, रागिनी लाहेरी, नगर महामंत्री रंजीत सिंह, पीयूष सिन्हा, अजय पाठक, कुंदन सिंह, ज्योति शर्मा, स्विता सिन्हा, डॉली तिवारी, बिंदिया देवी, रीना शर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थी। पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपसे एक ही चीज का आग्रह है, बहुत बड़ी पार्टी है, आप सब जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज एक बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है और हम अपनी पार्टी ने कोई जागरूक फैसला नहीं किया, अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों और तमाम चीजों को समझौते हुए कई लोगों ने त्याग किया। इस पार्टी को बढ़ने के लिए कई लोगों ने त्याग किया कि सभा पे चले, अपने जो देश प्रेम की जो जज्बा है, जो अपनी संस्कृति है, उन संस्कृति देश प्रेम और इस मिट्टी से जो हमारा प्यार है, उस बात को हमारे देश की जनता ने समझा और तब हमको इतनी बड़ी पार्टी बनाने का काम। अब इसमें हो क्या रहा है आप सभी अवगत, देश में कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक एक प्रकार अपमानित किया जा रहा है। बहुत शुभकामनाएं।
और जो टीम है नगर कमेटी की वो बहुत सशक्त टीम है, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता का जो जिम्मेवारी होता है, हम समझते हैं कि ये कमेटी पूरी तरह से उसमें खड़ी उतरेगी और आने वाले दिनों में एक सशक्त राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के द्वारा आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें नगर के हमारे जितने भी पदाधिकारी, हमारे उपाध्यक्ष से लेकर मंत्री से लेकर महामंत्री से लेकर जो बने हैं, कार्य समिति के जो सदस्य बने, सभी लोगों को आज इस सम्मानित समारोह में सम्मान किया गया है, जिसमें आज हमारे मुख्य रूप से हमारे निर्भय कुमार सहवादी जी, हमारे जिलाध्यक्ष समेत कई जिला के अधिकारी थे, उनके बीच में इस सम्मान का जो है जो आयोजन जो है आज गिरिडीह नगर के द्वारा किया गया है। और मैं पुनः एक बार सारे नगर कमेटी के पदाधिकारी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी नगर कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी गणों का एवं पूरी समिति का आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के द्वारा और सम्मानित करने का काम किया गया। सम्मानित करने का तात्पर्य है कि आज एक नया उत्साह से उन लोगों को लबरेज करने का काम किया गया। भाकपा माले की अनुषांगिक इकाई इन्नौस ने गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गांवा बाजार में इन्नौस से लाठी मार्च निकालकर गांवा थानेदार ध्रुव कुमार को खबरदार किया कि भाजपा के लोगों के इशारे पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, अगर थानेदार ने अपने शैली में सुधार नहीं लाया तो भाकपा माले थाना का घेराव कर थानेदार ध्रुव कुमार को बर्खास्त करने की मांग वरीय अधिकारियों से करेगी। गौवंश मामले को लेकर गांवा में भाकपा माले की अनुषांगिक इकाई इन्नौस ने गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को गांवा बाजार में भाकपा माले की अनुषांगिक इकाई इन्नौस ने लाठी मार्च निकालकर गांवा थानेदार ध्रुव कुमार को खबरदार किया। बताया जाता है कि शुक्रवार की देर रात भाजपा नेताओं ने गाय ले जा रहे 3 पिकअप वाहन को पकड़कर गांवा पुलिस को सौंपा था। इन तीनों वाहन पर कुल 27 मवेशी लदा हुआ था। इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गांवा पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेज दिया है। इसी कार्रवाई को अनुसूचित बताते हुए इन्नौस कार्यकर्ताओं ने रविवार को लाठी मार्च निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर मौजूद पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि भाजपा और बजरंग दल के लोग पुलिस के सहयोग से गौ रक्षा के नाम पर गौपालकों से रंगदारी वसूल रही है। शुक्रवार को भी रंगदारी मांगने के लिए गाय ले जा रहे गौपालकों को रोका गया। जब वे रंगदारी देने में असमर्थता जाहिर किए तो पुलिस का सहयोग लेकर सभी पर पशु क्रूरता का FIR दर्ज करवा दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस की इस अनुचित गठजोड़ से हो रहे गौपालकों पर अत्याचार का भाकपा माले पुरजोर विरोध करती है। साथ ही गांवा थानेदार ध्रुव कुमार को यह चेतावनी भी देते हैं कि अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। गरीबों, किसानों और मजलूमों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थानेदार की लगातार शिकायत मिल रही है कि इनके द्वारा गरीबों और असहायों को डरा धमका कर वसूली की जाती है। अगर थानेदार ने अपनी शैली में सुधार नहीं लाया तो भाकपा माले थाना का घेराव कर थानेदार ध्रुव कुमार को बर्खास्त करने की मांग वरीय अधिकारियों से करेगी और कार्रवाई होने तक थाना को घेर कर बैठी रहेगी। इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा गांवा प्रखंड मुख्यालय में एक प्रतिवाद और लाठी मार्च आयोजित किया गया है। ये लाठी मार्च आप सभी लोग जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले जो है सो आपके दुधारू गाय को और बच्चों को छोटे छोटे व्यापारी जो स्थानीय व्यापारी हैं राजधनवासी, वो ला रहे थे दुधारू गाय को अपना बेचने के लिए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन गाय व्यापारियों से 55,000 रुपया जो इस रंगदारी मांगा, उन्होंने कहा कि हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे, और उसके बाद नहीं देने के बाद उन लोगों ने जो इस गाय को बल जबरी पकड़ करके और पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये हम समझते हैं कि गाय रक्षा के नाम पर दुधारू पशुओं को थाना में जमा देना एक किसानों के साथ और नौजवानों के साथ और गरीबों के साथ में अत्याचार और अन्याय है, और थाना प्रभारी ने तो ये जो है भाजपा जो हिंदुत्व के नाम पर और गौ की रक्षा के नाम पर जो हिंदुत्व और गौ की हत्या करने पर तुला हुआ है, ये भाजपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। और लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गरीबों और किसानों के साथ थाना प्रभारी के कार्यशैली से लोग जो है सो आक्रोशित है, और यदि इसी तरह का गुंडागर्दी और भाजपा के इशारे पर थाना प्रभारी चलेंगे तो भाजपा माले चुप नहीं बैठेगी। आज हम लोगों के नौजवान साथियों ने जो है सो प्रतिवाद मार्च आयोजित किया है, जरूरत पड़ी तो हम लोग एसपी को अल्टीमेटम दे करके हजारों लोग थाना के सामने में धरना देंगे यदि ये रवैया बंद। लोगों का गाँव में इंकलाबी नौजवान सभा का युवा संवाद कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का आयोजन आयशा और आरवाईए ने संबंधित रूप से किया था। ये कार्यक्रम हम लोगों का जो है वो 15 मार्च को रांची में सत्र जो चल रहा है, हम लोग हेमंत सरकार से वादा निभाओ हमारा रोजगार कहाँ है ये बतलाओ नारे के साथ रांची कुछ करेंगे। इस प्रदेश के अंदर जो अभी सरकार चल रही है, चुनाव में हेमंत सरकार ने वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख सरकारी जो रिक्त पदे हैं उसको हम भरेंगे, और स्थानीय स्तर पे जो युवा है उसको यहाँ लोकल सेल बना करके उनको कैसे हम नियोजन करें इसकी दिशा में बढ़ेंगे। डिफेंस की तैयारी कर रहे युवाओं में जोश भरने और उन्हें मोटिवेट करने के उद्देश्य से तेजस डिफेंस एकेडमी की ओर से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर मोमेंटो और टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक सहाय समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गिरडे कॉलेज मैदान में रविवार को तेजस डिफेंस एकेडमी के द्वारा 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता कराई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक सहाय, स्पोर्ट्स से जुड़े संजय शर्मा उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर इंडियन नेवी से रिटायर्ड अनिल कुमार और एथलीट समीर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत आगंतुक अतिथियों को बुके देकर की गई, जिसके बाद प्रतिभागियों ने 1600 मीटर की दौड़ लगाई। इस दौरान प्रतिभागियों का उत्साह चरम पर था, सभी ने दौड़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंत में विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों मेडल पहनाकर मोमेंटो और टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। बताया कि प्रतियोगिता में राजेश कुमार प्रथम स्थान पर रहे, वहीं दिलीप सिंह ने दूसरा और आशीष यादव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस बाबत तेजस डिफेंस एकेडमी के संचालक और इस प्रतियोगिता के आयोजक सुनील कुमार ने बताया कि डिफेंस की तैयारी कर रहे युवाओं में जोश भरने और उन्हें मोटिवेट करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सुनील कुमार ने बताया कि अधिकतर युवा दौड़ की प्रैक्टिस अकेले करते हैं, लेकिन सेना में भर्ती के लिए होने वाली दौड़ के दौरान उन्हें लगभग 200 से 300 या उससे भी ज्यादा लोगों के बीच दौड़ना पड़ता है और भीड़ को पीछे छोड़ आगे आना पड़ता है। गिरिडीह के युवाओं को उस स्थिति से अवगत कराया जा सके यह भी इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था। प्रतियोगिता में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सुनील ने कहा कि वे आगे भी ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिससे गिरिडीह के युवाओं को फायदा मिलेगा। यहाँ कार्यक्रम की सफलता में मोहन कुमार, शमीर देव, रूपेश, अभिषेक कुमार, श्रीकांत कुमार, वासुदेव कुमार, अनिकेत, जितेंद्र आदि का योगदान सराहनीय रहा। हार नहीं होती, जितने लोग प्रयास किए हैं सभी लोग विनर हैं। ये अंतर है कि थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, लेकिन सभी विजेता हैं। ये थोड़ा ज्यादा प्रयास किए, अगली बार आप भी इनके जगह पे आए, यही सामना। बहुत अच्छा, शाबाश।
सभी को ये बोलना चाहूँ कि आप लोग जो जिस जोश के साथ आप लोग ट्रेनिंग यहाँ पे ले रहे हो वो जोश वहाँ भी दिखाना, ठीक है, और झंडा गाड़ के आना बस इतने। गावा हाट मैदान में रविवार को आयशा और इन्नौस ने संयुक्त रूप से छात्र युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार पर स्थानीय युवाओं ने आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर माले के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गावा हाट मैदान में रविवार को आयशा और इन्नौस ने संयुक्त रूप से छात्र युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक सह भाकपा माले नेता राजकुमार यादव, इन्नौस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी उपस्थित थे। कार्यक्रम में गांवा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से छात्र व नौजवानों ने हिस्सा लिया। संवाद के दौरान छात्र युवाओं ने बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं चुनाव में किए गए वादे को पूरा नहीं करने पर हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। युवाओं ने कहा कि हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आई हेमंत सरकार अब नौकरी छीनने का काम कर रही है। हेमंत सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में झारखंड में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दे पाई है, परंतु 14वें वित्त में नियोजित हमारे युवाओं की नौकरी छीन जरूर ली है। हेमंत सरकार की वादा खिलाफी और रोजगार की मांग को लेकर झारखंड के छात्र युवा 15 मार्च को वादा निभाओ रोजगार कहाँ है यह बतलाओ नारे के साथ करेंगे रांची कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव कर सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव के पूर्व युवाओं व छात्रों से किया गया वादा याद दिलाकर रोजगार की मांग करेंगे। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार पर भी छात्र युवाओं ने पूंजीपतियों के लिए देश विरोधी फैसले लेने का आरोप मढ़ा। कहा कि सरकार की फायदे वाली सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, इससे रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। मोदी जी ने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। रोजगार के लिए केंद्र के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, लेकिन नीतिगत फैसला कि नौकरी देने का जो रास्ता है वो स्थानीय नीति का सवाल, वो नियोजन नीति का सवाल, इसमें तो फैसला ये हेमंत सरकार को ले लेना चाहिए था। और हम जो फैसला आयशा भाई ने लिया है, आप देखेंगे लॉकडाउन में गांव कस्बे के इलाके में जो स्कूल है, जो गरीबों के बच्चे अपना शिक्षा लेते हैं, उनकी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गया है। थोड़े बहुत अगर देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर चंद लोगों को एजुकेशन मिल रहा है। आप जरा गौर करिए गांव के जो स्थिति है, लोगों का जो स्थिति है, उनके पास कितने स्मार्ट मोबाइल है। आज देश के अंदर में जो मोदी सरकार के द्वारा लगातार जो रोजगार के नाम पर लोगों को छला जा रहा है, लगातार सार्वजनिक संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथों में नीलाम किया जा रहा है, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे कोयला खदान हो, ये तमाम चीज़ें जो है आज कंपनियों के हाथ में बेच करके फिर से देश को कंपनी राज बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो इसके खिलाफ में युवा लोगों का एक संवाद हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरडी कॉलेज इकाई ने रविवार को कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। मौके पर परिषद से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गिरडी कॉलेज इकाई ने रविवार को कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी सदस्यों ने सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ समाज बनाने का संकल्प लिया। अभियान का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरडी कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि पूर्व में रविवार को कॉलेज परिसर के गार्ड वाल में वृक्षारोपण किया गया था और पर्यावरण को संरक्षण देने का संकल्प लिया गया था। इसी को लेकर इस रविवार को साफ सफाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया तथा बताया कि परिषद के कार्यकर्ताओं ने आपदा को अवसर में बदलने का बीड़ा उठाते हुए शहर के साथ साथ कॉलेज परिसर की गंदगी को दूर करने का संकल्प लिया। मौके पर गिरडी कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न करने वालों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरडी कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार,
सक्रिय कार्यकर्ता राहुल राणा, अभिजीत कुमार, आकाश सोनी आदि कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ग्रेडिंग बोर्ड का आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें अब आयोग के सभी कार्यकर्ताओं ने इसे सेवा कार्य में अपना सहयोग दिया। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही इसे राष्ट्रात्मक कार्य कर जो समाज और देश को अच्छे से देने का काम करती है। विद्यार्थी परिषद स्वच्छता जैसे सेवा कार्य कर इस मुहिम को चलाकर समाज को बतलाना चाहती है कि वो समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाएं, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण में एक स्वस्थ मस्ती का निवास होता है। क्योंकि हम स्वच्छता का ख्याल अगर हम समय पर रखेंगे तो आने वाली समस्याओं से, आने विकट परिस्थितियों से हम बच सकते हैं। क्योंकि हमारा समय, वर्तमान का समय आज काफ़ी खराब हो चुका है। अगर सभी अभी सचेत नहीं हुए तो आने वाला दिन हमारा एक बड़ा संकट लेके आ सकता है। हमने कॉलेज परिसर में इसी मुहिम को लेकर आज स्वच्छता अभियान चलाया। आज जगह जगह पर जहाँ इस कार्य को पूरा करने में हमें विद्यार्थी परिषद ने अपना पूरा सहयोग किया, हम विद्यार्थी परिषद के इस बड़े कार्य को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूर्व में रही शहर के गांधी चौक में स्वच्छता अभियान चलाया था और आज ग्रेडी कॉलेज में। तो आप सभी देशवासियों, आप सभी समाजवासी से मेरा आग्रह होगा और मेरा निवेदन होगा कि आप अपने क्षेत्र को, अपने समाज को, अपने शहर को स्वच्छ एवं सुंदर रखें, तभी आप एक अच्छे समाज, एक सुंदर एवं उत्कृष्ट समाज की कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गांडी के मरगोडी में स्थापित विख्यात पूर्णोनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 3 दिवसीय अखंड जागरण व पूजन हवन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। महाशिवरात्रि को लेकर गांडे के मरगोडी के ग्रामीणों ने बाबा पूर्णोनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्णनाथ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर 3 दिवसीय अखंड जागरण व पूजन हवन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कल सोमवार को कलश यात्रा के साथ कलश का स्थापना किया जाएगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मौके पर बाबा पूर्णोनाथ धाम मरगोडी के अध्यक्ष राजू मंडल, सचिव महेंद्र मंडल, कोषाध्यक्ष जीतन मंडल, संरक्षक दिलीप मंडल, उपाध्यक्ष हरि मंडल, महादेव मंडल, जगत मंडल, रंजीत मंडल, गणपत मंडल, दुर्गा मंडल, गोवर्धन मंडल, धीरज मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। आज पूरे ग्रामीण के सदस्य के साथ ग्रामीण बैठे हैं बाबा पूर्णोनाथ धाम मरगोडी में। अगले साल की बरसगांठ को मनाने के लिए कल से कलश यात्रा करके कलश स्थापन की जाएगी। 3 दिवसीय छोटा प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें तमाम इर्द गिर्द के लोग को हमारे कमेटी की ओर से आमंत्रित करते हैं। आप सभी को इस छोटी कोविड-19 महामारी को देखते हुए जो छोटा यज्ञ रखा गया है, इसमें आप सभी आमंत्रित हैं जी। श्री श्री 108 प्राण प्रतिष्ठा से महारुद्र यज्ञ पूर्णोनाथ धाम 2020 में आयोजित किया गया था। इस वर्षगांठ के तौर पर पूर्णोनाथ धाम में 3 दिवसीय अखंड जागरण एवं पूजन हवन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कल यानी 8 मार्च को कलश स्थापन से इनकी शुरुआत होगी और इस वर्ष कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए बृहद पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने का हम ग्रामीणों ने निर्णय लिया था और जो कार्यक्रम संक्षिप्त होगा उसमें भी कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाएगा। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव के गिरिडीह आगमन पर गिरिडीह के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नया परिसदन भवन में भव्य स्वागत किया। मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को और भी मजबूत करने समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर संगठन से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। रांची से देवघर जाने के क्रम में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव व प्रदेश मंत्री राजेंद्र मंडल कुछ देर के लिए गिरिडीह के नया परिसदन भवन में प्रवास किए।
इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत सत्कार में ओबीसी के सशक्त गठन पर चर्चा की गई। परिसदन भवन में सबसे पहले जिला अध्यक्ष राजेश पोद्दार, जयप्रकाश मंडल, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हरिमोहन जी, दीपक स्वर्णकार, मनोज संधय, राजा बंसल, रघुनाथ यादव, विश्वनाथ स्वर्णकार आदि कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया, जिसके बाद विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्री यादव ने बताया कि सभी जिलों में मंडल कमेटी का गठन को लेकर जिला पदाधिकारी ओबीसी का बैठक होना है। इसी को लेकर आज से संथाल परगना के अंतर्गत देवघर, गोड्डा और साहिबगंज जिला में बैठक की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा 5 मार्च से 10 मार्च तक जिलों में मंडल कमेटी का गठन करने हेतु जिला पदाधिकारियों का बैठक करना तय किया गया है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ और रांची नगर में यह कार्य कल किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश भर में जिला समिति का गठन हो चुका है, अब जिलों में मंडल समिति का गठन करने की शुरुआत 5 मार्च की गई है। आने वाले समय में झारखंड के सभी मंडलों के पंचायतों में पिछड़ा मोर्चा कार्य समिति गठन करेगी, जिसके लिए यह अभियान चलाया जाएगा। ओबीसी के जिला अध्यक्ष डॉ. पोद्दार ने कहा कि संथाल परगना जाने के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी के कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर ओबीसी को सशक्त बनाने पर गहन से चर्चा की गई। संथाल परगना में विभिन्न जिलों में देवघर, साहिबगंज, गोड्डा की जिला पदाधिकारी बैठक ओबीसी मोर्चा की होनी है। इस क्रम में गिरिडीह में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी देर के लिए मुलाकात के लिए मेरा आना हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी 5 मार्च से 10 मार्च तक ओबीसी मोर्चा का झारखंड के सभी जिलों में मंडल कमेटी का गठन हेतु जिला पदाधिकारी का बैठक होना है। सभी प्रदेश पदाधिकारियों का प्रवास उसमें तय हुआ है। इसी निमित्त गिरिडीह से होते हुए संथाल दौरे पर मेरा प्रवास है। मेरे साथ श्री राजेंद्र मंडल प्रदेश का मंत्री है। कौन है साहब? श्री राजेंद्र विशेष जोर है ऐसा कुछ है प्रदेश भर में? नहीं नहीं, प्रदेश भर में सभी जो संगठनात्मक जिले 27 जिले हैं, सभी जिलों में जिला कार्य समिति का गठन हो चुका। अब मंडल कार्य समिति के गठन का दौर 5 मार्च से शुरू हुआ है। तो अभी कल हमारा रांची महानगर और रामगढ़ जिला का बैठक में प्रवास हुआ और आज से संथाल का प्रवास शुरू हुआ। तो पूरे झारखंड के सभी मंडलों में और आने वाले समय में पंचायत में पिछड़ा जाति मोर्चा अपना कार्य समिति का गठन करेगी। तो इसीलिए ये क्रमबद्ध तरीके से संगठन का निर्माण का दौर चल रहा है। प्रदेश जिला अध्यक्ष हमारे अमरजीत यादव जी का गिरिडीह में प्रवास हुआ और ये संथाल परगना के जाने के क्रम में संगठनात्मक कार्यक्रम के दौरान गिरिडीह में रुके, इनका हम लोगों ने स्वागत किया और ओबीसी मोर्चा का गठन एक सशक्त गठन हो इसकी कामना की। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के केंदुआ गढ़ा के सखुआ जंगल में भीषण आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आग लगने की खबर मिलते ही स्थानीय युवा वर्ग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के कार्य में जुट गए। गर्मी की शुरुआत होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के केंदुआ गढ़ा के सखुआ जंगल में आग लग गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। कयास लगाया जा रहा है कि किसी शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगाई है। जंगल में आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि अहले सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, तभी जंगल की ओर से बड़ी बड़ी आग की लपटें आ रही थी और धुआं निकल रहा था। ग्रामीणों ने जब जाकर देखा तो आग लगी हुई थी और पूरा जंगल चारों ओर से जल रहा था। इसकी सूचना पूरे गाँव में फैल गई। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं। अभी हवा लग रही है, काफी है। हवा लग रही है।
गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के समीप ऑटो पलटने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज गांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। गिरिडीह में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को तेज रफ्तार ऑटो पलटने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा गांडे थाना क्षेत्र के गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के समीप घटित हुई है। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए गांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के समीप तीखे मोड़ के कारण तेज रफ्तार ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसमें सवार 2 मासूम बच्चे, महिलाएं व 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने आनन फानन में सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे पहुंचाया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। घायलों ने बताया कि गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भितिया से मरगो मुंडा थाना क्षेत्र के ताराजोरी जा रहे थे। इसी क्रम में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के समीप ऑटो पलटने से घटना घट गई। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग आ रहे थे बीतिया से ताराजोरी। ये मेरा साढ़ू है और मतलब अपना बहन बनी है। तो कैसे क्या हुआ? आ रहे थे तो वहाँ पर थोड़ा बुलाए था ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कैसे गिर गया। और टेम्पो में आ रहे थे ना? तो क्या हुआ, टेम्पो पलटी हो गया? टेम्पो पलटी हो गया। क्या हुआ था? उनको पीछे बैठा हुआ था, एक बार के इसका भीतिया से आ रहे। क्या नाम हुआ? महालाल है मेरा। कहाँ जा रहे थे आप लोग? ताराजोरी। तो कौन गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? ऑटो। आप लोग ऑटो में थे? सरकारी स्कूलों में शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया, लेकिन आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां ग्राम शिक्षा समिति से जुड़े पदाधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे ही एक मामला बिरनी प्रखंड के खरटी उत्क्रमित मध्य विद्यालय से आया है। विद्यालय के अध्यक्ष ने सचिव पर राशि गबन का आरोप लगाया है। बिरनी प्रखंड के खरटी गाँव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय से जुड़े ग्राम शिक्षा समिति के सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर कर रुपए निकालने का मामला सामने आया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरटी के सचिव कांति देवी के द्वारा 18,100 का फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र बीआरसी बिरनी में जमा कर राशि की निकासी कर लिया गया है। स्कूल के अध्यक्ष अर्जुन वर्मा ने आरोप लगाया है कि बिना जानकारी के 18,100 का फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र के द्वारा निकासी कर लिया गया है। अर्जुन वर्मा ने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र में पूर्व सचिव बलदेव महतो का हस्ताक्षर है, जबकि पूर्व सचिव बलदेव महतो 31 मार्च 2020 को ही अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। जब इस संबंध में पूर्व सचिव से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई रंग रोगन और मरम्मत की कार्य नहीं कराया गया है, न ही मेरे द्वारा कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराया गया है। स्कूल के अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद वर्मा ने बताया कि वर्तमान सचिव कांति देवी ने प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का हस्ताक्षर इसके पहले कई बार करके फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर चुकी हैं, तथा खिड़की रिपेयर दरवाजा रिपेयर के नाम पर पैसे उठा लिए गए हैं और खिड़की रिपेयर और दरवाजा रिपेयर करने वाले शिव कुमार विश्वकर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा स्कूल का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। हैरत की बात तब हुई जब शिव कुमार के नाम पर रिपेयर की मजदूरी 3,000 का बिल भी पाया गया। उसने बताया कि हमारे नाम से गलत बिल बनाया गया है। वहीं इसके पूर्व बलराम महतो ने भी कहा कि 20 अप्रैल 2020 को भी संपूर्ण लॉकडाउन था तो हमारे नाम से 5,300 मजदूरी भी उठा लिया गया था। सभी ग्रामीणों ने बताया कि यह कार्य पहली बार नहीं किया जा रहा है, इसके पूर्व भी कई बार किया जा चुका है, तथा सभी ग्रामीणों ने मांग किया है कि इस सचिव को, इस वर्तमान सचिव कांति देवी को निष्कासित किया जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या कार्य में है? मैं इस स्कूल का अध्यक्ष। क्या मामला है इस स्कूल में? इसमें 18,100 रुपया फर्जी
वाउचर जमा करके निकासी किया गया है। किसके नाम से है? इसमें सचिव का हस्ताक्षर बलदेव महतो के नाम से है और सरिता कुमारी उपाध्यक्ष, अर्जुन प्रसाद वर्मा अध्यक्ष, लेकिन सरिता कुमारी अध्यक्ष की उपाध्यक्ष की साइन की है, हस्ताक्षर किए, न मैं अर्जुन प्रसाद वर्मा इसमें हस्ताक्षर किया। कितना का निकासी है? 18,100 का। इस क्या कार्य के लिए निकाला गया पैसा? पोचाड़ा का सामान, मजदूरी, बालू, सीमेंट और खिड़की दरवाज़ा वेल्डिंग करके दर्शाया गया है 3,000 रुपया और कुल मिला करके 18,100। जैसे आपके नाम से 5,300 कुछ रुपए का बिल बना है जो पोचाड़ा के रूप में, आप इस स्कूल में पोचाड़ा किए हैं? नहीं। तो आपका नाम से जो सिग्नेचर है वो आप सिग्नेचर किए हैं? वो नहीं किए हैं, वो फॉल्स किया है। तो आपका नाम से जो बिल है आपको पैसा मिला है? नहीं। बेंगाबाद के निवर्तमान सीओ डॉक्टर संजय सिंह को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर बेंगाबाद प्रखंड से जुड़े कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग व पत्रकार उपस्थित थे। सभी ने निवर्तमान सीओ डॉक्टर संजय सिंह को शॉल उठाकर व बुके देकर बड़ी सम्मान के साथ विदाई दी। बेंगाबाद अंचल कार्यालय के निवर्तमान सीओ डॉक्टर संजय सिंह के सम्मान में रविवार को प्रखंड मुख्यालय के सभागार में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में निवर्तमान सीओ डॉक्टर संजय सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर बेंगाबाद प्रखंड से जुड़े कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग व पत्रकार उपस्थित थे। सभी ने निवर्तमान सीओ डॉक्टर संजय सिंह को शॉल ओढ़ाकर व बुके देकर बड़ी सम्मान से विदाई दी। मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके कार्यकाल के बारे में बताया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी, प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, राम रतन राम, सीआई ऋषि राज, राजेंद्र मंडल, बिपिन सिंह, सुरेंद्र लाल, संजय शरण, खुर्शीद अनवर समेत दर्जनाधिक लोग मौजूद थे। सबों ने फूलमाला पहनाकर, बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर विदाई दी। वहीं निवर्तमान सीओ डॉक्टर संजय सिंह बोलते हुए गमगीन हो गए और कहा कि आप सबके साथ किया गया काम, बिताया गया पल व प्यार हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। एक ही जगह पर है और अपनी अपनी बात भी सबने पहले रख। बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों के साथ काम करने का जो मौका मिला, बहुत ही प्यार मिला, दुलार मिला, कई सीखे भी मिली, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हुआ हम लोग का ज्ञान का। और अंत में बस कुछ हम नहीं कहेंगे, बाकी जो मैंने कहा जनता उसकी देखेगी, समीक्षा करेगी, समीक्षा कर रही है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हाँ प्यार मिला, दुलार मिला और एक परिवार के तहत कि कमी खलने नहीं दिया कभी। ये हम बाहर से हैं, हम बाहर से रहते हैं और यहाँ हर कदम कदम पर, चाहे वह काम के सिलसिले में हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हमारे कोरोना काल में जो हम बीमार पड़े थे उस स्थिति में हो, उसमें आप लोगों का प्यार प्यार सहयोग मिला, यह कभी भूलने लायक नहीं है। और बेंगाबाद हमेशा यही कामना करते हैं कि सभी के साथ सहयोग करे और प्यार प्यार दे, अधिकारी आपका हमेशा साथ देंगे। हम आने वाले अधिकारी से भी यह कामना करेंगे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका सहयोग लें और सहयोग से यहाँ के कामों को, यहाँ के जो भी आपको सरकार द्वारा कार्य आवंटित किए गए हैं उसको करेंगे तो आप सफलता मांगें। 100% में सही, 50% ही सही, 60% ही सही, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ के लोग काफ़ी सहयोगी हैं और कर्मयोगी हैं, आप हमेशा सहयोग दें। और ख़ासकर हमारे ये BNB के जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं जगन्नाथ जी का सहयोग कोरोना काल में भी हमको निस्वार्थ भाव से मिला था। ऐसा नहीं लोग समझते हों कि बहुत सारा ये है, निस्वार्थ भाव से गली गली गांव गांव घूमे थे और एक एक गांव में ये जगाने का काम किए थे कि सावधानियां क्या है और ज़रूरतें क्या हैं, और सावधानियां के साथ साथ वहां की कमियां बताते थे कि वहां पर इस गरीब की ज़रूरत है,
विकास जी है, समाधान मैडम, इन लोगों के बातों को सुनते थे और विचार करते थे। बिरनी प्रखंड के मनकडीहा गांव के एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। पीड़ित परिवार ने बेटी की शादी से जुड़े कपड़े व रुपया रखा था जो भेंट चढ़ गया। बिरनी प्रखंड के मनकडीहा गांव में रविवार की सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि मनकडीहा निवासी मोहम्मद समीम सिद्दीकी अपने दो बेटियों के विवाह हेतु कपड़ा समेत सारे सामानों की व्यवस्था दो दिन पूर्व कर रखी थी। साथ ही विवाह के खर्चे हेतु 1.5 लाख रुपए नगद राशि भी घर में जुगाड़ कर रखा था, लेकिन शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार अत्यंत गरीब है, जिसका इस दुर्घटना में लाखों की संपत्ति समेत घर में रखा हुआ अनाज सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी से मांग किया कि आपदा राहत कोष के तहत पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाई जाए। दो बच्चे की शादी के लिए हम पैसा जुगाड़ किए थे, सारा सामान भी मेरा जल चुका है। अब हम एक गरीब परिवार के हैं, अब कहां से क्या करें वही हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिरनी प्रखंड अंतर्गत मनकडीहा पंचायत के मोहम्मद समीम सिद्दीकी जी का आवास है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पूरा जला हुआ है। सच्चाई ये कि शॉर्ट सर्किट से जला है और इन्होंने अपनी दो बच्ची की शादी तय कर रखी थी और इनको दो दिन के अंदर दहेज देना था, इसलिए सारा कपड़ा पैसा 1.5 लाख रुपया इन्होंने जुगाड़ किया था और सारे कपड़ा भी इन्होंने जुगाड़ कर लिया था ताकि हम कल नहीं परसों जा करके अपने रिश्तेदार को पहुंचा सकूं। इसी क्रम में आज शॉर्ट सर्किट हुआ और सारा जो कपड़ा था जल गया, अनाज था वो जल गया और इसके अलावे जो पैसे थे वो भी जल गए। मैंने कहिए तो इस गरीब परिवार के लिए दुख का अंबार आ गया है। इसलिए हमको सूचना मिलने के बाद मैंने आपसे भी संपर्क किया और अंचलाधिकारी से भी संपर्क किया है दूरभाष पर। उन्होंने कहा है कि आपदा राहत से जो इन्हें सहायता मिल सकेगी वह मैं सहायता करूंगा और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उनको सहायता मिल सके। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप News9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।